प्रज्ञा, तेरे को कोई मिलने आया है। कौन? खुद आके देख लेना। नहीं, ये तो नहीं आया मेरे। सुनिए, कहिए। दिशा दी, क्या कैसा लगा सरप्राइज? अरे, इसने फोन किया था एड्रेस पूछने के लिए, मैंने बता दिया तो वो चली आई। सरप्राइज? उनसे ज्यादा तो खुश मैं हूँ। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये बहने हो तो इसका मतलब नहीं कि फुसफुस आके बातें करोगे। अरे, मेरा मतलब है कि आराम से बैठ के आमने सामने बात करो ना। हाँ, सरिता जी, आपका नाती कह रहा था कि आप वर्ल्ड फेमस चाय बनाते हो। ऐसा बोला? मेरे को तो कभी नहीं बोला कि मैं इतनी अच्छी चाय बनाती हूँ। अब देखिए, जब तक मैं खुद ना पीऊं पता कैसे चलेगा। समझ गई, तुम लोग बैठ के बात करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू सो मच। ऋषि ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और देख, मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं प्रियंका को ढूंढने में। सच? एक्चुअली मैं जो काम करती हूँ उसमें इन सारे लोगों की जरूरत पड़ती रहती है। जासूस नहीं कह सकते, नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल कपड़ों में, सब्जेक्ट के पास रहते हैं, उस पर नजर रखते हैं। सीक्रेट एजेंट्स, वो उसका पता लगा लेंगे। और प्रियंका वैसे भी कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, तो वो जल्दी पकड़ी जाएगी। ऋषि जी, मुझे प्रियंका की कोई फोटो मिल सकती है? मैं अभी लेके आता हूँ। क्या बात है, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है बस। तबीयत क्यों ठीक नहीं है उसका भी रीजन मैं जानती हूँ। ऋषि मुझे बता रहा था कि प्रियंका के चाचू आप पर बहुत गुस्सा थे, बहुत नाराज हुए हमसे। दी, जीजू कौन है किसी को पता नहीं है। ऋषि को तो अब भी लगता है कि वो उसके एक्स बॉस है। उनके बारे में अभी नहीं बताया किसी को। राजी को भी नहीं? सही वक्त आने पर बता दूंगी। सबसे पहले उसे ही बताऊंगी, उसके बाद किसी और को। लो जी, वर्ल्ड फेमस चाय ऑफ सरिता बेन। थैंक यू सो मच। ऋषि, मैंने जो तुमसे मंगवाया था वो दी को दे देना। ओके, वो दे देंगी मुझे। ये क्या है भाई, पहले फुसफुसा के बात कर रही थी बहन के कान में, अभी कोड वर्ड में बात कर रही हो। आखिर बात है क्या, बताओ तो। एक्चुअली क्या हुआ सरिता जी, मैं दी से कह रही थी कि वो मेरे साथ आज किसी बिजनेस पार्टी में चल ले, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए ना, कितनी बीमार सी लग रही है। बीमार हूँ इसलिए कह रही हूँ। बीमार हो इसीलिए तो, पैसे वाले बीमार नहीं, ये घर में रह रहे के बीमार हो गई है। देखिए, थोड़ा सा मेरे साथ बाहर जाएंगी, थोड़ा लोगों से मिलेंगी, ताजी हवा लेंगी, तो अपने आप ही अच्छा फील होने लगेगा। मेरा वाकई मन नहीं है। दी चल लो प्लीज। मासी चले जाइए ना। देखिए, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं जाने की पीछे, सच्ची। नहीं चलोगे? नहीं, रहने दो ना। पक्का नहीं जाओगे? प्लीज नहीं। रुको। अरे रुको, मतलब दिशा कहाँ जा रही है? ऐसे कैसे, किधर जा रही है? पता नहीं, एक पार्टी के लिए इतनी जिद कर रही है ना, पता नहीं कहाँ चली गई। सो मे आई कम इन? या। हेलो सर। रणबीर, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? बाहर आपने तो काफी डांट दिया मुझे ये नहीं पता आप यहाँ पे क्या बोलोगे मेरे को। रणबीर, क्या हो रहा है? Why are you behaving so oddly? मैंने कहाँ oddly behave किया सर?
आपने मुझे कहा बाहर सच बता दो, मैंने आपको सच बता दिया। ये बोलकर तुम अपने बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर सकते रणबीर। आप ही बता दीजिए कि मैं जस्टिफाई कैसे कर सकता हूँ। अगर सॉरी बोलने से जस्टिफाई हो जाता है तो मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ सर, आई एम रियली सॉरी। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं। बैठने को नहीं कहा है मैंने, स्टैंड वेयर यू आर। ओके, मैं कम इन सर। यस कम इन, आ जाओ सर। ये पेपर्स तुम जा सकते हो। ओके सर। अब तुम लोगों को अगले 24 घंटे तक इस कैबिन को गार्ड करना है और मेक श्योर कि इस कैबिन में मेरे अलावा कोई और ना आ सके। इस एनवेलप को खास तौर से आपको गार्ड करना है, इसमें क्वेश्चन पेपर्स हैं। मुझे बस इस कैबिनेट को तोड़ के एनवेलप लेना है, पेपर इसी के अंदर। रणबीर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आपने ही तो खड़ा करा था सर यहाँ पे। ठीक है, यू मे गो। थैंक यू सर। रणबीर वेट, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था। सर प्लीज डोंट टेल मी आप इन सबके सामने मेरी बेइज्जती करने वाले हो। रणबीर इट्स अ वार्निंग, टेक योर लाइफ सीरियसली। तुम्हें स्टूडेंट्स रोल मॉडल मानते हैं और वो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं और तुम उन्हें बर्बाद कर रहे हो। I'm really sorry sir. This is not acceptable. Sorry sir. I promise ये अगली बार से कभी नहीं होगा। ठीक है। You may go now. Thank you. Sorry. Hi, यहाँ पे क्या कर रही है? मैं रिया की हेल्प कर रही हूँ। रणबीर और प्राची को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उन पर नजर रख सकूँ। लेकिन बिना डिम्पी के, डिम्पी कहाँ है? डिम्पी बीमार है, वो 2-4 दिन कॉलेज नहीं आएगी। अच्छा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मैं भी तुम्हारी और डिम्पी की तरह रिया की फ्रेंड बनना चाहती हूँ। रणबीर पूरा। अरे यार ये मेरी तरफ क्यों आ रही है अब? ये दोनों फिर से फ्रेंड्स बन गए? मुझे तो फ्रेंड से कुछ ज्यादा लग रहे हैं। तभी तो रणबीर ने सबके अगेंस्ट जाके पार्टी में प्राची की साइड ली थी और हमसे माफी भी मंगवाई थी। चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं रणबीर। बात बात पे गिरती रहती हो, पसंद है तुम्हें ऐसे गिरना मेरे ऊपर? मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है और मुझे ऐसी बकवास पसंद भी नहीं है। पर मुझे तो ऐसी बकवास बहुत पसंद है। अब छोड़ोगे या फोटो खिंचवानी है? अब फोटो? क्या हुआ, मेरी तरफ क्यों आ रही थी भागते हुए? तुम्हें दूर से देखा, मुझसे रहा नहीं गया, खींची चली आई तुम्हारी तरफ, कॉलेज की बेवकूफ लड़कियों की तरफ। देखो मुझे पता है तुम्हें मेरा बिल्कुल पसंद नहीं है फ्लर्ट करना, लेकिन मुझे भी तुम्हारा सरकाज्म समझ में नहीं आता यार। तो हंसे क्यों ही करके? इसलिए हंसा क्योंकि तुम पे हंस रहा था मैं, और तुम्हारा सरकाज्म ना बिल्कुल बोरिंग है, बिल्कुल डजंट वर्क ऑन मी एट ऑल। मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, जस्ट सो यू नो। थकते नहीं क्या? ऐसी बकवास करते रहते पूरा दिन। नहीं बिल्कुल नहीं थकते, भगवान की दया से मेरे अंदर एनर्जी ही एनर्जी। क्या हुआ, क्यों आ रही थी पीछे पीछे? प्रिंसिपल सर ने क्या बोला बताओगे? ओ तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है मेरी। ओ क्यूट यार। मत बताओ, मैं जाके पूछती हूं। अरे क्या बोलेंगे प्रिंसिपल सर यार, ये ले इट्स ओके। क्या बोलेंगे, वो ये डांट रहे थे मुझे, जो बाहर डांटा वो अंदर डांट दिया। अरे बाय द वे मेरे को पता चल गया है कि एनवेलप कहां पे। एनवेलप? अरे एनवेलप यार, तुमने कहा था ना धीरज की मदद करनी है तो कुछ करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे पता है। हां तो एनवेलप का क्या लेना देना, क्या क्या कनेक्शन? एनवेलप यार, एनवेलप के अंदर वो क्या हुआ? फोन। किसका? मेरी मम्मी का फोन। मम्मी का या बॉयफ्रेंड का? ओ शिट, प्राची को बताना ही भूल गया अपना प्लान यार, कभी और बता दूंगा। तुमने देखा? हाँ ये तो वही हो रहा है, प्राची रणवीर के क्लोज आने की कोशिश कर रही है या रणवीर प्राची के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा अगर ये दोनों कपल बन गए? तो सारी लाइमलाइट रिया से प्राची के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और प्राची पूरे कॉलेज में फेमस हो जाएगी रणवीर की गर्लफ्रेंड के नाम से, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ये तो रिया भी नहीं चाहेगी,
और वो तो यहाँ है भी नहीं, वो तो यूरोप गई है। हमें ये सब रिया को बताना होगा कि प्राची उसकी पीठ के पीछे क्या कर रही है। बताना तो पड़ेगा, लेकिन अभी वहाँ रात हो रही है। We'll call her tonight. Welcome back, शहाना। यार ये दोनों कैसे हैं यार? ये रिया की दोस्त है क्या? जासूस? I have to tell Ranbir. I thought Priyanka is weird, but ये दोनों उससे ज़्यादा weird हैं। अब मैं वो लड़की लगूंगी जिसकी लाइफ में सिर्फ पेन ही पेन है, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेकिन मैं तो यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ हूँ तो अंदर कौन है? नाटिस को पढ़ रहे प्रोफेसर होके ऐसी गिरी हुई हरकत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसे लोगों ने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है, क्वेश्चन पेपर चुरा कर स्टूडेंट्स को बेच कर पैसा कमाना चाहते हो। छी छी छी, प्रोफेसर होके पेपर चुरा रहे, शर्म आनी चाहिए। नहीं सर, वो पेपर्स तो मैंने अपने ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स के लिए चुराया था ताकि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। How disgusting, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन पेपर चुरा रहे थे ताकि तुम्हारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सके, हमारे स्टूडेंट्स के नहीं। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं उन्हें भी भेज दूं। Shut up! Sorry sir. Let's see to it. ये बात कमेटी मेंबर्स तक जाएगी। Sir. You are suspended right now. Sir. Sir sorry sir. Leave now. एक चांस दे दीजिए सर प्लीज। आप जाइए। Sorry sir. Come to my cabin. ये क्वेश्चन पेपर्स लेकर मेरे घर जा, मेरी वाइफ को दे और उनको कहना कि वो इसे सेफ में रखेंगे। अब ये क्वेश्चन पेपर्स तभी निकलेंगे जब एग्जाम्स होंगे। अगर ये क्वेश्चन पेपर्स कॉलेज में रहेंगे तो फिर से कोई प्रोफेसर इन्हें चुराने की कोशिश करेगा। घर पे? पर मुझे तो पता ही नहीं है प्रिंसिपल का घर कहाँ है। यस मैम। मुझे चीप और बेस्ट रूम चाहिए कुछ दिनों के लिए। यस मैम, हमारे पास है। ये देखिए मैम, ये स्टैंडर्ड, ये लग्जरी, ये रॉयल। ये स्टैंडर्ड वाला दे दीजिए। मैम आपका आईडी प्लीज। सॉरी, मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है मेरे। देख सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है मेरे साथ। मैं घर से भाग के आई हूँ, कहीं छुपना चाहती हूँ। मुझे वहाँ पे वापस नहीं जाना है। प्लीज मेरी हेल्प करेंगे। मैम आपको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। मेरे बॉयफ्रेंड का पुलिस में बहुत अच्छा कनेक्शन है, उसके फ्रेंड पुलिस इंस्पेक्टर ही है। अगर मैं वहाँ पे चली गई तो मुझे वहाँ पे फिर से घर भेज देंगे। मुझे घर नहीं जाना है। प्लीज ये बात किसी को बताना मत। आप मुझे काफी अच्छे इंसान लग रहे, काफी जेंटलमैन लग रहे। प्लीज मेरी हेल्प करेंगे प्लीज। ठीक है मैम, आप बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। अपना लैपटॉप देंगे प्लीज। लैपटॉप क्यों मैम? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ना अब्रॉड रहते हैं, तो मैं उन्हें मेल कर दूंगी तो मुझे यहाँ लेने आ जाएंगे प्लीज। ओके, थैंक यू। लीजिए। थैंक यू।
चल लेट्स गो। आज हम नहीं जा रहे घर। तो फिर कहाँ जा रहे? हम लोग आज प्रिंसिपल के घर जा रहे हैं। प्रिंसिपल के? क्यों? उन्होंने तेरे को बुलाया? तू पागल है क्या? नहीं बुलाया मेरे को। प्रिंसिपल के कैबिन में जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो उसने अपने घर पे शिफ्ट कर ली। अब मुझे नहीं पता वो रहता कहाँ है, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसके साथ घर जाना पड़ेगा, समझा? देखो नहीं पता प्रिंसिपल कहाँ रहता है? मुझे कैसे पता होगा, कोई हॉट सी बेटी थोड़ी है। मुझे पता होगा, और अगर हॉट सी बेटी हो तो मुझे जरूर पता होगा। ज्यादा मत बोल, समझा ना? क्यों, देखो सुनाई नहीं दे रहा? अगर प्रिंसिपल की बेटी होती तो मेरी क्या? क्या? तुम्हारी क्या? मेरी बहन, मेरी बहन, इनफैक्ट मेरी नहीं, एक्चुअली इसकी बहन होती। बेचारा बहुत परेशान है, इसके हाथ ना सूने सूने रहते हैं, कलाइयों में ना राखी नहीं है। पिछले रक्षाबंधन पे रो रहा था, है ना, कितना रो रहा था। तो मैं इसकी बहन बनना चाहता हूँ। तेरी बहन मैं हर जगह बनाऊंगा, कॉलेज में, ऑफिस में, क्लब में, जिम में, बहन ही बहन। बहने दे मुझे, बहने बस, दे बस, मुझे। बस तुम दोनों भाई यहाँ क्या करो? घर नहीं जाना क्या? जाना है पर वो हम तो जाओ ना, बहनों का वेट कर रहे हो। अरे जा रहे हम लोग, एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड आ रहा है, वो पिक करने वाला है। मैं आज गाड़ी में लाया। चलो देन, सी यू टुमारो, बाय बाय। चलो बाय शाना। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। जाने देना। थैंक गॉड बच गया यार, वरना टैक्सी में लिफ्ट दे देती। तेरा भाई आज किस्मत से दूसरी गाड़ी लेके आया। बाय 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 बाय। थैंक गॉड ब्रो, मुझे लगा आज टैक्सी में जाना पड़ेगा। क्यों? तेरे पास तो जवाब की कमी नहीं होती है। तुझे पता है क्यों? क्योंकि तेरा भाई लाजवाब है। क्या हुआ? प्रिंसिपल सर की गाड़ी। चल 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 चल। थैंक गॉड आज मैं गाड़ी ले आया। भैया गाड़ी रोको, रुको 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 रुको। क्या हुआ? अरे रणबीर ने इतनी बार हमें गाड़ी में लिफ्ट लिया, आज वो गाड़ी नहीं लाया, हम भी तो उसे ड्रॉप कर सकते ना। पूछो उससे। हाँ पूछ ले। क्या हुआ? मना कर दिया? तुझे पता है रणबीर ने हमसे झूठ बोला है, वो गाड़ी लाया है वही ड्राइव कर रहा है, अभी मैंने उसे देखा। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मुझे नहीं पता, रणबीर है ना, जो कुछ भी करेगा गलत ही करेगा। भैया अभी गाड़ी गई है ना लंबी सी वाइट कलर की, उसका पीछा करो। अच्छा क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, चलो। यस यस आई विल सी यू इन द पार्टी। या या डोंट वरी, मैं अभी को भी नहीं बताऊंगा इस बारे में। हां हां ऑफ कोर्स, आलिया को भी नहीं, नहीं तो वो अपसेट हो जाएगी। या एब्सोल्युटली। वो नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा था। चलो आई विल सी यू इन द पार्टी। यप मी टू, बाय। दिशा ने कहा आई लव यू और तुमने कहा मी टू। तुम्हारे दिमाग में और कोई बात नहीं आती? तुम्हारे दिमाग में भी तो नहीं आती। दिमाग तो छोड़ो, तुम्हारे तो दिल में भी दिशा बसी हुई। यू नो आई डोंट नो मैं तुमसे बात क्यों करता हूँ, जब पता है जवाब उल्टे ही मिलने। लिसन प्लीज स्टॉप इमेजिनिंग, जो नहीं हुआ है उसको सोच के कोई फायदा नहीं है। बात करके तो होगा ना? I just fail to understand कि मुझे चीजें पता होती हैं लेकिन मैं उन्हें प्रूव नहीं कर पाती। दिवाली पार्टी में भी मुझे मालूम था कि तुम दिशा के साथ हो, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। आज भी उससे बात कर रहे थे, मालूम सब है, बस प्रूव नहीं कर पाती हूँ। Yes, you are right. तुम्हारे सारे डाउट क्लियर है और मैं तुम्हें यह भी नहीं बोलूंगा कि तुम गलत सोचती हो, बिकॉज आई एम फेड अप एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ ऑल द टाइम। तुम कुछ भी सोचो, तुम्हें जो सोचना सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते पूरब, आई एम योर वाइफ। और तुम बदल चुके हो जब से तुम उस दिशा को मिले, जब से वो दिशा तुम्हारी लाइफ में वापस आई है। Wow. So you know everything. Okay. हाँ मैं बदल गया हूँ। Now happy? और हाँ, एक जगह और तुम बिल्कुल सही थी। आज सुबह तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? हाँ तुम करती हो। और परेशान तो क्या? तुम सफोकेट करती हो मुझे। You know what? मेरा दम घुटता है इस रिश्ते में।
और मैं खत्म करना चाहता हूँ इसे। I really want to end it. सुना तुमने?